नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोकेश गुप्ता। आइए जानते हैं, जब से केंद्र में मोदी और सूबे में योगी सरकार बनी है, रियल एस्टेट कारोबारी पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कितने कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की जो सरकार बनी है, इन्होंने जो कड़े कानून की आप बात करते हो, इन्होंने बिल्डिंग लाइन को रेगुलराइजेशन करने के लिए और पब्लिक को तकलीफें कम हो, अवैध बिल्डरों में फंसे नहीं, इसके लिए इन्होंने कड़े कदम तो मैं नहीं खा सकता, कदम इस मामले में कड़े नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। समय के हिसाब से चीज़ों को बदलते हुए परिवेश में पब्लिक को धोखा न हो, इसके लिए इन्होंने रेरा कानून का गठन चूँकि किया गया है। इस कानून के तहत में रेगुलराइजेशन दोनों पक्ष का है, बिल्डरों का भी है कि अगर 5 साल की मियाद मिली हुई तो उस पीरियड में आप अपने काम को कंप्लीट करें और पब्लिक को जो आपने कमिटमेंट करी है उस कमिटमेंट को फुलफिल करें। और पब्लिक के लिए भी अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पेमेंट, अगर उन्हें कोई बुकिंग करी है तो वो आप समय से पेमेंट करें, जिससे बिल्डरों को अपनी बिल्डिंग समय से बनाने में तकलीफ ना हो। ये हमारे रियल इस्टेट लाइन के लिए बहुत अच्छी बात है। लोकेश जी, रेरा कानून क्या है और इससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को क्या लाभ मिलेगा? रेरा कानून, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये देश का सर्वोच्च कानून बनाया गया है बिल्डिंग लाइन को रेगुलेट करने के लिए। इसके ऊपर न्यायालय आती है। इसका बेसिक मोटो हमारे शहर में, हमारे देश में रहने वाले लोगों को उनका जो घर रौंदा मिले उसको सुरक्षित रखने के लिए, उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, और प्लस बिल्डरों से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो चीज़ों को समय पे उतार कर दें। लोकेश जी, प्रधानमंत्री के आवास योजना में आपके एसोसिएशन ने अब तक क्यों पहल नहीं किया? हमारे शहर में लैंड प्राइसिंग बहुत, सर्किल रेट की जो प्राइस है, जो कानून सरकार ने बनाया हुआ है, कानून बहुत अच्छा है आवास योजना का, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे सर्किल रेट बहुत हायर हैं, उसकी वजह से लैंड की अवेलेबिलिटी हमारे शहरों में उस प्राइस पे नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोगों ने कई बार अपने एसोसिएशन के माध्यम से पत्रक देके सूचित भी किया कि आप अपने जो आउटर एरिया है, हमारे शहर की आउटर एरिया है, उसकी सर्किल रेट कम की जाए, स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया जाए, जिससे कि हम आवास आराम से बना सकें और उनको हैंडओवर कर सकें और प्रधानमंत्री की आवास योजना में सही रूप में सम्मिलित हो सकें। लोकेश जी, जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में अवैध बिल्डरों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अब तो कई नामी बिल्डरों पर कई आपराधिक मुकदमे भी कायम हो चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरी संस्था क्रेडाई वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन ऐसे किसी भी बिल्डरों को अपने यहाँ मेंबर नहीं बनाती। हमारे यहाँ बहुत कड़े मानक हैं, उन कड़े मानकों को पूरा करने पर ही हमारे एसोसिएशन की सदस्यता मिलती है। आप जो नामी बिल्डरों की बात करें, ऐसा कोई भी बिल्डर बनारस में नहीं है जो कि अवैध कार्य कर रहा हो, और सारे शहरों में कुछ न कुछ ऐसे अवैध बिल्डर होते हैं, लेकिन हमारी भी ये समस्या है कि उनकी वजह से हमारे बिजनेस को प्रभावित होना पड़ता है। तो सरकार, इसके लिए हम लोग सरकार को समय समय पर सजग करते रहते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन में भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग शासन को सूचित करते हैं, जिससे कि वो उस पर एक्शन ले सकें, कार्रवाई कर सकें और पब्लिक उनसे बच सके। लोकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है, और महंगाई के इस दौर में यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार सपा बसपा कांग्रेस में कौन होगा सीधी लड़ाई में और किसकी बनेगी सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चूंकि हमारे शहर के सांसद भी हैं, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। हमारे शहर के आउटस्कर्ट जो कि अभी तक डेवलपर पहुंच नहीं पा रहे थे, चूँकि इन्होंने आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, रोपवे, दुनिया भर की स्कीमें जो लाए हैं, प्लस उस पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, इससे हमारी अप्रोच वहाँ तक पहुँच चुकी है। हम बाहरी सड़कों पर जाकर कार्य कर सकते हैं, बुनियादी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करा रही हैं, जिससे हमको वहां पर घर बनाने में बहुत आसानी हो रही है और हम सस्ते रेट पर पब्लिक को घर अफोर्ड करा पा रहे हैं। रहा सवाल चुनावी मुद्दे का, चुनावी राजनीति से हमारी एसोसिएशन या मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत दूर रहता हूँ।
क्योंकि ये सारी चीज़ें देश की हैं। हम लोग अपने शहर का ही डेवलपमेंट कर लें इतना ही बहुत है। चुनाव हमारे बस का नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं समझते। जो अच्छा काम करेगा वो देश को चलाए और हमारे शहर को, हमारे देश को और उन्नत मार्ग पर पहुँचाए। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।